पश्चिमी राजस्थान में युवाओं के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले और शिव विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक रविंदर सिंह भाटी, जो अपने जोशीले भाषण और ठेठ राजस्थानी अंदाज के लिए प्रदेश भर में जाने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शिव के ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो जन्म से बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती, मगर कोरे कागज पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर अपने पसंदीदा नेता रविंद्र सिंह भाटी का चित्र बनाती है। गडरा रोड तहसील के गांव कुंडल के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा ने न केवल रविंद्र सिंह भाटी का चित्र बनाया, बल्कि इस चित्र में उनके चुनावी चिन्ह, सेब और बैलेट संख्या को भी दर्शाया। यानी कि चुनाव के समय रविंद्र सिंह भाटी का प्रचार प्रसार इस बच्ची के दिल में इस कदर समाया है कि आज यह बच्ची जो जन्म से बोल और सुन नहीं सकती, वह भी रविंद्र सिंह भाटी के चेहरे के साथ उनके चुनावी चिन्ह को भी कागज में उकेर देती है। दोस्तों, इस लड़की का नाम सपना है। सपना जांगीर, गांव कुंडल, जिला बाड़मेर, गडरा रोड तहसील में कक्षा 6 में पढ़ती है। यह लड़की बोल सकती नहीं है और ना भी सुन सकती, जन्म से बिल्कुल 100%। इसने रविंद्र सिंह भाटी का चित्र बनाया खुद हाथ से, आप देख लो, बहुत प्रतिभावान लड़की है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब कक्षा 6 में पढ़ने वाली सपना जांगीर की है सुंदर चित्रकला रविंद्र सिंह भाटी तक पहुंची, तो रविंद्र सिंह भाटी भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने लिखा कि छोटी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्रेम ही मेरी ताकत है। अब बच्चों के इस कदर प्यार को रविंद्र सिंह भाटी किस तरह अपनी ताकत बनाकर उनके लिए बेहतर स्कूल और इन बच्चों तक अच्छी शिक्षा कैसे पहुंचाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए डीसी लाइव बाड़मेर, और इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।